हिमाचल में नई सरकार का गठन होगा आज, ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम, प्रतिभा गुट से मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे डिप्टी सीएम। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रतिभा का भी नाम सबसे आगे चल रहा था इस रेस में, लेकिन सुखविंदर सुक्खू के नाम पर मोहर लग गई है। दोपहर 1:30 बजे रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां पर सुखविंदर सुक्खू शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका गांधी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल को नया सीएम मिल चुका है। प्रतिभा गुट से मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे डिप्टी सीएम, यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बचाने का लगातार प्रयास कर रही थी और हिमाचल की जीत में एक नई लहर कांग्रेस में दौड़ी है और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल के नए सीएम होंगे। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रतिभा गुट से मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे डिप्टी सीएम और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रतिभा का भी नाम सामने आ रहा था इस रेस में, लेकिन अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मोहर लग गई है। तो 1:30 बजे कार्यक्रम होगा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता समारोह में पहुंचेंगे। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे NSOI का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं और हिमाचल की जनता का जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है, जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं उन वादों को अक्षरक्ष लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। एक बात हमने कही थी, हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, हम सत्ता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लाए हैं। कुछ समय दीजिए, हमें परिश्रम करना है, हमें संघर्ष करना है और उसके बाद एक नई सोच के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल की भोली वाली जनता के साथ एक सुंदर प्रदेश और स्वच्छ प्रदेश और ईमानदार प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना है। सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे, सुन रही है इस वक्त जनता आपको, उनसे क्या कहना चाहेंगे, सीधा संवाद आप क्या करना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अपना भरपूर प्यार दिया है और आप हमें कुछ समय दीजिए, समय के अनुसार मैं आने वाले समय में आपको जो भी चीजें होगी, जो भी हमारे फैसले होंगे वो जनता, जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और जो समाज के, जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से, उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुकेश जी डिप्टी बने हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य रहेगा और किस तरीके? मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं, विधायक दल के नेता थे, हमारा आपस का सामंजस्य बहुत जबरदस्त था और अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं, हम दोनों भाई एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे। उस टीम में 38 प्लेयर्स और भी है, उनको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ एक स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन हिमाचल प्रदेश में लाया जाएगा। सुक्खू जी, आपके आंखों में आंसू देख रहा हूं सर, इमोशनल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इमोशनल हो गए सर, आंखों में आंसू। देखो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया कॉलेज के CR से लेकर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना, NSOI का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा,
1999 से मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति शुरू हुई और उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कोई राजनीति में था ही नहीं और उसके बाद मुझे जब मैं युवा यौवन काल में आया था युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया और 10 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं विधायक बना, काउंसलर रहा मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा।